बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अच्छे से होंगे। आज मैं हाईवे की तरफ मौजूद हूँ और जिस रेस्टोरेंट के अंदर हम लोग आए हुए हैं उसका नाम है टेरा बाइट। और ये रेस्टोरेंट जो है ये हाईवे की तरफ मौजूद है। और मैं इसका आपको ये बताऊँ ना, यहाँ का इन्वायरमेंट जो माहौल है यहाँ का बड़ा ज़बरदस्त है। कैसा लग रहा है यहाँ का इन्वायरमेंट या माहौल? यहाँ का माहौल तो काफ़ी अलग लग रहा है। लाइक ऐसा लग रहा है कि कोई हम देसी एरिया में आ गए, मतलब गांव फुल चिल टाइप लग का, रहा है ना, विलेज फुल टाइप का चिल टाइप एरिया। का लग रहा है माहौल। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बेसिकली इनकी बस कढ़ाई है और बहुत सारी इनके बारबेक्यू आइटम वगैरह भी है। फास्ट फूड नहीं है, फास्ट फूड के अंदर मतलब दो ही चीज़ें, मतलब नगेट्स है और कुछ चिकन का कुछ बता रहे थे, वो अंदर जाके मालूम कर लेंगे क्या क्या चीज़ है। वैसे इनका ये इन्वायरमेंट या माहौल है ना काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी अच्छा है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, आप बताओ कैसा लगा आपको? सही लगा? मुझे भी काफी अच्छा लगा। ये आप देख सकते हैं इनका ये अंदर का इन्वायरमेंट है। इन्होंने पूरा एक सेपरेट भी बनाया हुआ, अगर फैमिली साथ आते हैं यहाँ पे सेपरेट भी आके हम बैठ सकते हैं। काफ़ी अच्छे में अच्छा सा बनाया हुआ है। यहाँ पे गोल तकिए वगैरह रखे हुए और यहाँ पे उन्होंने तख्त वगैरह लगाए हुए हैं। ये काफ़ी अच्छा इनका पूरा इन्वायरमेंट है, काफ़ी अच्छा माहौल है। बाकी ऊपर भी इनका कुछ सीटिंग एरिया भी, यहाँ से सीढ़ी वगैरह जा रही है, फैमिली वगैरह ऊपर भी जाके बैठ सकती है। सर क्या नाम है सर आपका? इमरान। इमरान साहब, ये किस जगह पर लोकेशन थोड़ी सी गाइड करते हैं, कहाँ पर है ये? सर नादरन बाईपास की जो पुल है जी, इसके साथ ही है। शादी गार्डन का मेन गेट है, सही है, उसके साथ ही है मेन सुपर हाईवे। अच्छा मैं ये देख रहा था मेन मेन रोड पे आपने कोई बोर्ड वोट नहीं लगाया हुआ? मेन रोड पे असल बेसिकली बोर्ड लगवाया था, हाँ क्योंकि FW का भी रूल है, अच्छा अच्छा तो वो आप इसे नहीं नहीं लगा लगा सकते सकते। हैं। चलिए आप अंदर ही तरफ आएंगे ना तो आपको ये ये नजर आ जाएगा। शादी गार्डन के गेट पे मेन बोर्ड लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। सही है, यहाँ पे मेरा कट वगैरह है आपके यहाँ पे साथ में? सर बिल्कुल कट है, ये नादरन बाईपास से पुल है, हाँ इसके हम इंटरचेंज कर सकते हैं इसको हम, सही है, मतलब आप यहाँ पे डायरेक्ट आ सकते हैं, डायरेक्ट आ सकते हैं। थोड़ा सा आपका अंदर आना होगा वही आपका अलग भी रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट है, उसके सही। साथ ही रास्ता मुड़ रहा है ऊपर नादरन बाईपास पे, वो रास्ता घूम के ऊपर से ये अच्छा, साउथ आप आ जाता खाने है। में क्या क्या चीज़ें वैरायटी है आपके पास? खाने में सारे कॉन्टिनेंटल चाइनीज, सही है, फास्ट तो उसके अलावा फास्ट फूड वगैरह, फूड में बारबेक्यू सारी चीज़ें अवेलेबल है तकरीबन और बारबेक्यू वगैरह और ये सारी कढ़ाई वगैरह जो इसमें सर इसके अंदर सब सब अवेलेबल सारी है, चीज़ें, सारी मटन कढ़ाई चीज़ें वगैरह सारी चीज़ें। थोड़ा सा अलहमदुल्ला। रेट वगैरह बताएं थोड़ा सा, किसी का भी सर रेट चिकन सर कढ़ाई जो है नॉर्मल चिकन कढ़ाई होती है आधा नॉर्मल केजी चिकन कितने की होगी? आधा केजी तकरीबन 1200 तक है 1200 रुपये तक जी की सर। होगी। चलिए आप यहाँ आगे आप इन्जॉय कर सकते हैं फैमिली। मैं बिल्कुल यहाँ पे ही देख रहा था आपने काफ़ी अच्छा उन्होंने अपने पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, इन्वायरमेंट बिल्कुल वगैरह सर काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे सीटिंग एरिया भी काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, प्ले एरिया बनाया हुआ है बच्चों के लिए बिल्कुल खेलने के सर। लिए। इस ध्यान में कैसा है यहाँ पे प्ले एरिया बनाना चाहिए, इस तरह का कुछ इन्वायरमेंट रखना चाहिए सर ताकि ये लोगों अपना को? हम खुद जाते हैं कहीं पे, हमारी हाँ फैमिली भी हाँ हमारे बच्चे भी सोचते हैं कि कहीं कोई प्ले एरिया मिल जाए, सही है, इसलिए तो हिसाब से आपने सारा इन्होंने रखा हुआ है। बिल्कुल अच्छा सिस्टम में काफ़ी अच्छा रखा हुआ है, यहाँ पे आपने लड़कों के लिए सीटिंग एरिया बनाया हुआ है, उस तरफ आपने फैमिलीज के लिए कर दिया। बिल्कुल। अच्छा आप इवेंट वगैरह का क्या मतलब इवेंट है? के लिए हमारे पास ऊपर हॉल है, हाँ ओपन है, वो भी हाँ बेम्बूस का बना हुआ है, वहाँ पे कितनी तो सेटिंग एरिया, कितने अफराद आ वहाँ पे सकते सर हैं? तकरीबन 50% 50% आ सकते, 50 छोटी बड़ी परसेंट तकरीब हो सकती है, मतलब हाँ बर्थडे नहीं वगैरह करवाना चाहें तो बर्थडे वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल यहाँ सर, पे बर्थडे वगैरह आप कर सकते हो हैं। सकते हैं। और टेरा बाइट के नाम से आपका रेस्टोरेंट टेरा है, बाइट के नाम से सर। बस सही है। इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे ईद के मौके पर कुछ कहना चाहेंगे सर हम ईद यहाँ? मुबारक कहना चाहते हैं पूरी आवाम को, हाँ और मोस्ट वेलकम, हमारा ट्राई करें, टेस्ट करें, बिल्कुल, विजिट करें आपकी तरफ विजिट आए, करें, हमारी क्वालिटी इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। बेहतरीन क्वालिटी है। अच्छा बिल्कुल मटका बिरयानी मैंने देखी, मैं इनकी मटका बिरयानी जरूर ट्राई करो, क्योंकि मैंने जब भी हाईवे में देखा ना मटका बिरयानी मैंने बहुत कम जगह देखा है मटका बिरयानी बिल्कुल ऐसी ही है, ऐसी है सर, तो यहाँ पर ट्राई करने लगा मटका बिरयानी, उसका मोस्ट खा के वेलकम बताऊंगा सर। कैसा बना है, बाकी ठीक रिव्यू भी है, दूंगा वो कैसा है। बहुत अच्छा लगा आपसे थैंक बात यू करें, सर। थैंक यू। अभी देख सकते हैं हमारे चिकन वगैरह बॉयल हो गए हैं और इन्होंने मटका बिरयानी बना रहे हैं, इसके अंदर सारे मसाले वगैरह ऐड कर रहे हैं और सारी चिकन उन्होंने वगैरह ऐड कर दी है। ये धनिया डाली है इन्होंने ऊपर से, और इसके बाद ये इस पर मिर्च वगैरह ऐड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ इन्होंने ऐड कर दी है इसके ऊपर। काफ़ी सही लग रहा है देखने में, और ये इसके ऊपर से अब मसाले वगैरह इस पर ऐड कर रहे हैं। ये इनके थोड़े से शोरबे वाले टाइप के मसाले हैं जो इसके अंदर ये ऐड कर रहे हैं, और ये दूसरे तरह के मसाले हैं जो आपको नज़र होगा, फुल ग्रेवी जैसा हो गया है देखने में, काफ़ी अच्छा लग रहा है। कलर वगैरह माशाल्लाह से ज़बरदस्त आ गया है इसका, देखने में अच्छा लग रहा है। चले जी, अब ये फाइनली बन चुके हैं। अब इसके ऊपर चावल जो है वो बासमती चावल है, और जिसको इसमें ऐड कर रहे हैं बासमती चावल वगैरह। अब इसके ऊपर से इन्होंने इसके ऊपर टॉपिंग वगैरह कर दी है ब्राउन प्याज से, काफ़ी सही लग रहा है देखने में ये भी, और ये धनिया डाल दिया ऊपर से, और ये अब इसके ऊपर रंग डाल रहे हैं ताकि काफ़ी अच्छा सा लुक दे, कलर आ जाएगा इसके ऊपर बिरयानी का, जो कलर होता है काफ़ी अच्छी लग रही है बिरयानी देखने में। अच्छा आप देख सकते हैं हमारा ये मंचूरियन आ गई है और ये आपको नज़र आ रहा होगा, हमारी सारी चीज़ें बन चुकी है। और ये चिकन मंगनी हांडी है, ये आपको दिखा दूँगा, इस तरह की बनी है चिकन मंगनी हांडी। और साथ में मैंने कुछ चीज़ें मंगाई थी, ये आपके मटका बिरयानी है, ये सारी मटका बिरयानी है। अच्छा ये मैं आपको दिखा दूँ, ये मटका बिरयानी बनी है, एक मटका बिरयानी बनती है आपके कोयले के ऊपर,
और ये मटका बिरयानी इन्होंने बनाई है चूल्हे के ऊपर। अब इसको टेस्ट करके पता चलेगा कैसी है। वैसे प्राइस बताओ तो काफ़ी मुनासिब प्राइस है इसके, ये आपको तकरीबन 800 रुपये तक की पड़ेगी और वहाँ से 2-3 लोग आराम से इसको खा सकते हैं। बिरयानी की शक्ल तो काफ़ी अच्छी आई है, आप ये देखें चेक करें। बाकी मैं इसको निकाल लेता हूँ प्लेट के अंदर, आपको चीज़ें दिखा देता हूँ किस तरह की बनी हुई है। बाकी मंचूरियन की अगर प्राइस में अगर बताऊँ तो मेरे खाते ये भी 700 रुपये तक की है, मेरे खाते चिकन मंचूरियन वगैरह जो प्राइस है इसकी। और मखनी हांडी जो है, हाफ मखनी हांडी जो है तकरीबन आपको मेरे खाते 1400 रुपये तक की पड़ेगी, ये हाफ के जी है। ये आप शक्ल देखें इसकी, ज़बरदस्त आई है इसकी। पैसे वगैरह काफ़ी मुनासिब हैं इसके और ये अपनी फैमिली के साथ दोस्तों के साथ यहाँ पर आके चीज़ को आप इन्जॉय कर सकते हैं। और आपको सीटिंग एरिया तो मैं आपको दिखा चुका हूँ, काफ़ी अच्छा है इनका बना हुआ है इन्वायरमेंट वगैरह, माहौल वगैरह काफ़ी अच्छा है। और साथ में कुछ चपाती, ये रोटी वगैरह मंगाई थी मैंने, ये आपके ये मतलब नॉर्मल नान गार्लिक नान है, मतलब ये गार्लिक नान है, ये गार्लिक नान वगैरह। और साथ में कुछ पराठे थे, ये आपको मैं दिखाऊँ, साथ में कुछ पराठे ये रेडी। चलिए आप देख लें हमारा जो है चिकन मंचूरियन और साथ में आपके मटका बिरयानी वगैरह मंगवा लिए और साथ में आपकी मखनी हांडी है। मखनी हांडी की शक्ल आपको मैं दिखाऊँ तो काफ़ी ज़बरदस्त आई है मखनी हांडी, आप चेक करें काफ़ी बेहतरीन लग रही है देखने में। इसको मैं निकाल लेता हूँ मखनी हांडी को कैसी बनी हुई है। इसकी मैं अगर प्राइस बताऊँ तो प्राइस इसकी वैसे 800 यानी 1400 रुपये की है, हाफ के जी मखनी हांडी। क्वान्टिटी वगैरह उन्होंने काफ़ी अच्छी थी, शक्ल आप चेक करें कैसी ज़बरदस्त आई है। यमी। बाकी इसको मैं ट्राई कर लेता हूँ उस रोटी के साथ, ये आप ट्राई करें रोटी के साथ कैसी बनी है। अच्छा इसके यार दो चीज़ें मंगाई मैंने, इसके यार रोगनी नान मंगाया था और गार्लिक नान और साथ में पराठे वगैरह मंगाए थे, किसके साथ ट्राई करेंगे आप? सबसे पहले हम लोग नान के साथ करते हैं। करें आप ट्राई करें, बिस्मिल्लाह करें 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 थोड़े, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फुल क्रीमी है, फुल जूसी टाइप का है, ये आपको नज़र ही आ रहा होगा। उसके मसाले वगैरह फ्लेवर वगैरह ना काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छा टेस्ट आया। कैसा लगा आपको ये? काफ़ी अच्छा है, मज़ा आया। चिकन साथ ट्राई करें कैसा बना हुआ है? मतलब हर चीज़ परफेक्ट लग रही है, बैलेंस है हर चीज़, मसाले वगैरह हर चीज़। टेस्ट अच्छा है और बेस्ट है। ये क्या चीज़ है? ये चिकन मंचूरियन है, ये मैं आपको दिखाऊँ चिकन मंचूरियन कैसा है। इसको पहले मैं अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। स्पून वाला लिया हमारे पास, यहाँ पे है, शक्ल देखिए आपकी चेक करें। बाकी ट्राई करते हैं, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ट्राई करें रहमान रहीम। इनकी राइस अच्छी है, फ्रेश है, हर चीज़ गर्म गर्म बनाई है, मतलब इसी वक्त बना रहे थे सारी चीज़ें, काफ़ी अच्छा है। टेस्ट कैसा है मंचूरियन ट्राई करें? और इन्होंने मंचूरियन लाइफ मतलब के बनाया है आपके आंखों के सामने, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल इनका लाइफ चल रहा है सारा हिसाब किताब, बेहतरीन बना हुआ है। मैंने इनकी दोनों चीज़ें ट्राई की है, दोनों चीज़ें इनकी बहुत बेहतरीन बनी हुई है। आपको क्या अच्छा लगा? इंतजार था वो करते हैं बिरयानी, देखते हैं क्या बनी हुई है मटका बिरयानी। असल में ये था मटका बिरयानी का ज़्यादा था क्रेज था, तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों से मैंने पूछा भी था तो सबने मुझे मटका बिरयानी का कहा, इसी वजह से मैंने मटका बिरयानी थोड़ी ज़्यादा मंगा ली। इसको ट्राई करते हैं, वाओ देखने में तो ये आप साइज चेक करें, वैसे मटके का आप साइज चेक करें और ये मटका बिरयानी ऊपर से, वाओ। इसको मैं निकाल लेता हूँ थोड़ा सा। अच्छा मैं मटकी का खास बताऊँ, ये वैसे तो कोयले पर तैयार की जाती है, इन्होंने इसको चूल्हे पर तैयार की है। बाकी टेस्ट करके देखते हैं कैसा बना हुआ है। प्राइस अगर बताओ ना आपको, ये 800 रुपये का है। ओ इतने सारे? हाँ 800 रुपये में, 800 रुपये में ये आराम से खाते 2-3 लोग तो खा सकते हैं ये। हाँ आई थिंक ऐसी ही है, फुल गड़ा में धुआं, दिखाओ देखें किस तरह से इसमें से निकल रहा है, ये आप चेक करें। फुल स्पाइसी लग रहा है देखने में, अब खा के बाद चले जाए कैसा है, कैसी बनी हुई है। चले बिस्मिल्लाह करते हैं इसको। चिकन है बीफ है? चिकन है, चिकन है, चिकन है। 800 रुपये की है ये क्वांटिटी, बताओ ना क्वांटिटी अच्छी दी है, अब क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए फिर बात बनती है। सही बात है, अभी तक जितना खाया है वो तो बेस्ट था। चले आप ट्राई करें, देखते हैं क्या है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम,
और स्पाइसी गर्म बहुत हो गया। टेस्ट का पता नहीं चल रहा, गर्म इतनी है ना, पता नहीं चल रहा टेस्ट का। दोबारा बाइट लेता हूँ, दोबारा खाता हूँ। समझ में आया आपको वैसे? फुली स्पाइसी है, बनी अच्छी है, नो डाउट। ऐसा लगा अच्छा है, बेस्ट है। ना स्पाइसी है, नॉर्मल है। असल में गर्म बहुत ज़्यादा हो रहा है, हाँ उस वजह से ना, इसी वजह से थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ओवरऑल बताऊँ कि खाना ओवरऑल अच्छा है। आप भी यहाँ पर रहे हैं 13 बाइट के अंदर, 13 बाइट हमें दिखा दें। 13 बाइट की तरफ आप आए इनका खाना वगैरह ट्राई करने के लिए, काफ़ी अच्छा है इनका। मतलब पूरा जो बताऊँ, पूरा जो इन्वायरमेंट है, माहौल बनाया हुआ है यहाँ पर, काफ़ी अच्छा है। फैमिली के लिए तो बहुत अच्छा है, बहुत सेफ है, बहुत सिक्योर है। हाँ बिल्कुल ऐसी है। और वैसे गार्ड भी खड़े हैं। हाँ रेट भी बताऊँ तो काफ़ी मुनासिब है, मुझे तो सही लगे, रिजनेबल प्राइस है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि आप क्वान्टिटी आप चेक करें, अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है इनकी, दोनों चीज़ें अच्छी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करेगा। और एंड में कुछ कहना चाहेंगे आप? बस ये कहूँगा कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा ताकि तमाम वीडियोस लोगों तक पहुँच सके। और दूसरा ये कि ईद है, ईद में कुछ खास कहना चाहेंगे हमारे? ईद में ये कहूँगा कि आप सबको ईद मुबारक, अपने आस पास के लोगों का ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। बिल्कुल, दूसरों की जरूरतों का भी पूरा ख्याल रखें, जैसे अपने घरों में ईद मना रहे हैं लोगों के साथ, वैसे दूसरों के साथ भी अपनी इस खुशियों को मतलब बांटें। और हमें दें इजाज़त। थैंक यू। बस ठीक है, अल्लाह हाफिज़।